आज अपना जो R15 V3 है इसमें हम नाइट्रोजन डालेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है, टायर का जो हेल्थ है या टायर लाइफ वो इंक्रीज होता है, टायर ठंडा रहता है, बहुत कुछ मतलब इसका बेनिफिट है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। एंड इसका पूरा हवा निकालेंगे एंड उसके बाद नाइट्रोजन डाल देंगे, ठीक है। दोनों टायर में हवा है तो नॉर्मल इसमें हवा डाला है, उसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो ये फ्रंट व्हील का पहले करेंगे, उसके बाद पीछे वाला व्हील का देखता हूँ नाइट्रोजन डालने के बाद कैसा क्या मतलब आउटपुट मिलता है, जो होगा शेयर कर दूंगा। पहले देख सकते हो उसका भी हवा निकाल रहा हूँ। नाइट्रोजन का जो बेनिफिट है वो आप इधर पढ़ सकते हो, ठीक है। इनहेंस टायर प्रेशर रिटेंशन, लो टायर फेलियर, बेटर ग्रिप ऑन रोड, एक्सटेंडेड टायर लाइफ, नो मोर रिम रस्ट, ओके, एंड लो फ्यूल कंजम्पशन, माइलेज अच्छा मिलेगा। तो अभी 19 PSI है एंड ये अभी 40 होगा, ठीक है। पीछे मैं 40 डाल रहा हूँ एंड सामने डालूंगा 35, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हवा निकलता रहता है इसीलिए। तो अभी 31 हो चुका है, 40 डालेंगे पीछे, तो वो भी कनेक्टेड है ऑल्सो। फ्रेंड्स डालेंगे 35, ओके। तो देखता हूँ इसके बाद माइलेज बढ़ता है या नहीं। तो R15 का तो माइलेज पता ही है मेरे बाइक में कैसा रहता है, फिर भी और बढ़िया देगा। एक्चुअली टायर का कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है उसके लिए।